नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमारा आज का टॉपिक है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर एक फ्रेजाइल बैंड को कहते हैं गैसेस के, जो कि 15 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक के स्ट्रेच में है धरती के ऊपर। ओजोन लेयर एक नेचुरल सनस्क्रीन की तरह एक्ट करता है, जो कि धरती को बचाता है सन की डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में लाई करती है। स्ट्रेटोस्फेयर एटमॉस्फेयर का अपर लेवल होता है। प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये न्यूज में होता है ओजोन ओजोन ओजोन, दिक्कत क्या है इसके साथ? दिक्कत ये है, ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है। ये एक थिक लेयर होती थी पहले, अब ये एक थिन लेयर होगी, ये पतली सी लेयर बच गई है थोड़ी सी, कुछ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की वजह से। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं, उनकी वजह से ये डिप्लीट हो रही है। और जब ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है, तो जो सन की जो रेज हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज, वो धरती तक पहुंच जाती है। और अगर इनका एक्सपोजर धरती पे जो लाइफ है उसको हो जाए, तो लाइफ के लिए इसके काफी हार्मफुल इम्पैक्ट हैं। और जो मेन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनके बारे में देखते, 20 ऐसी चीजें हैं जो यूरोपियन लॉ ने लिस्ट करके रखी हुई है कि ये ओजोन डिप्लीटिंग है, और इन्होंने इनके ऊपर बैन लगा के रखा है अपनी कंट्रीज में, कि इनकी प्रोडक्शन, इनकी इंपोर्ट, इनकी एक्सपोर्ट, इनको मार्केट प्लेस में लाना, इनका यूज, इनकी रिकवरी, इनकी रिसाइकलिंग, रिक्लेमेशन या डिस्ट्रक्शन, कोई भी, सब कुछ बैन करके रखा है। कोई भी इंसान ऐसा कर नहीं सकता। और इन चीजों को उन्होंने ग्रुप करके रखा हुआ है कैटेगरीज में, और इनके जो हिस्टोरिकल यूजेस हैं उनको रखा गया इन्फॉर्मेशन के लिए। अब ठीक है, जैसे सीएफसीज और एचएफसीज, कुछ हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स हैं और कुछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनमें क्या था, ये जो प्रोडक्ट, ये जो कंपाउंड्स हैं, ये रेफ्रिजरेशन में काम आते थे, एयर कंडीशनिंग में काम आते थे, और हीट पंप्स में। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को तो टोटली बैन कर दिया गया था इन कंट्रीज में। 1995 से पहले जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह होते थे उनमें यूज हुए थे, उससे उसके बाद तो कभी यूज नहीं किया गया उन कंट्रीज में। और सिर्फ एचसीएफसीज जो हैं, इनको थोड़े टाइम के लिए चलने दिया जा रहा है। बाकी हेलोन हिस्टोरिकली ये एज अ फायर सप्रेशन एजेंट काम करते थे, और फायर फाइटिंग में इनको यूज किया जाता था। अब इनका यूज काफी लिमिटेड सिचुएशन में किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं इसको, इसका यूज भी लिमिटेड कर दिया गया है लेबोरेटरीज में, और केमिकल में, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में खाली। 1-1-1 ट्राइक्लोरोएथेन, इसका भी लिमिटेड यूज रखा गया है लेबोरेटरीज तक ही बस, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज तक। मिथाइल ब्रोमाइड हिस्ट्री में यूज किया जाता था एज अ फ्यूमिगेटर, और सॉइल ट्रीटमेंट में काम आता था, पेस्ट कंट्रोल में इसको यूज किया जाता था, क्वारंटाइन की तरह यूज किया जाता था, और मार्केट गार्डनिंग में। और मिथाइल ब्रोमाइड को अब यूज नहीं किया जाता है, और आयरलैंड में तो ये रजिस्टर्ड भी नहीं है यूज के लिए। ये आयरलैंड वगैरह, ये जो यूरोप की कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो काफी ज्यादा एडवांस है एनवायरमेंट के मामले में। और हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन, ये हिस्टोरिकली फायर सुप्रेशन का काम करते थे, फायर सुप्रेशन सिस्टम का, और फायर फाइटिंग में काम आते थे। ब्रोमो क्लोरोमिथेन, ये भी हिस्टोरिकली बायोसाइड्स में काम आते थे, बायोसाइड्स बनाने के काम आते थे, बायोसाइड जैसे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड वगैरह। प्रिवेंशन, अब ओजोन डिप्लीट हो रही है तो इसकी प्रिवेंशन के लिए भी दुनिया में काम किए जा रहे हैं। और सबसे पहला नाम आता है यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैं समझती हूँ सबसे सक्सेसफुल ग्लोबल एनवायरमेंट एग्रीमेंट रहा है आज तक, क्योंकि इसमें दुनिया की 197 कंट्रीज जो हैं वो कमिटेड हैं, उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया है, और वो कमिटेड हैं
इस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के प्रोडक्शन को इल्यूमिनेट करने के लिए, और इस मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल की इफेक्टिवनेस को चेक जो करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, और इसकी जो ओजोन सेक्रेटरेट है, ओजोन सेक्रेटरेट, ये चेक करती है, ये मॉनिटर करती है इसकी इफेक्टिवनेस को। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम को बोला जाता है UNEP। 2012 में इसकी 25वीं सालगिरह थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। इसका मतलब ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये 1987 में साइन किया गया था, और दोस्तों उसके 7 साल बाद यानी 1995 में 16 सितंबर को ओजोन डे घोषित किया गया था, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर 16 सितंबर को घोषित किया था। इससे हर साल 16 सितंबर को लोगों को अवेयरनेस दी जाती है इसके बारे में, और इसको ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। और 25वीं एनिवर्सरी पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो 25वीं एनिवर्सरी थी, इस एनिवर्सरी पे यूरोपियन यूनियन कमिश्नर जो हैं क्लाइमेट के, कमिश्नर कॉनी हेडगार्ड, ये जो लेडी हैं, इन्होंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है ओजोन लेयर के बारे में लोगों को अवेयरनेस देने। यूरोपियन यूनियन इज मार्चिंग अहेड इन टर्म्स ऑफ फेजिंग आउट द केमिकल दैट डैमेज द ओजोन लेयर, ऐसे केमिकल्स को फेस करने में जो ओजोन को डैमेज करते हैं। यूरोपियन यूनियन काफी काम कर रही है इस पे, और जो चीजें ओजोन को डैमेज करती हैं उसको बोला जाता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। और यूरोपियन यूनियन ने अपने लिए एक लॉ भी बनाया है जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ओजोन की डिप्लीशन ना हो, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का कोई यूज ना कर ले, इसलिए उन्होंने एक लॉ बनाया है जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और जो मोस्ट रिसेंट जो लेजिस्लेशन पास हुई है वो अक्टूबर 2009 में पास की गई है इसके बारे में। अगर हम एक स्पेशल कंट्री आयरलैंड की बात करें तो वहां पे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी बनाई गई है जो रिस्पॉन्सिबल है ये देखने के लिए कि यूरोपियन लॉ के जो भी लॉज हैं वो सारे अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, प्रॉपरली इन्फोर्स किए जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यूरोपियन लॉ में तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बने हुए हैं ताकि कोई ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ना यूज कर ले, ना बना ले। तो जो ये ईपीए है इसको असिस्ट करने के लिए और भी ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड, वो भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ मिलकर काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, मैरिटाइम सेफ्टी डायरेक्टरेट, ये भी ईपीए के साथ मिलकर काम करता है, और जो रेवेन्यू कमिश्नर्स हैं कस्टम्स डिवीजन, ये भी ईपीए के साथ मिलकर काम करता है ताकि यूरोपियन लॉ जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। तो ईपीए एंड अदर दीज ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू टू वर्क टूगेदर, ये क्या करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं और बहुत सारे सेक्टर्स में, और ताकि ये ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को अच्छे से हैंडल कर पाए, उनके यूज, उनके बैन, अच्छे से इन चीजों को देख पाए, और टू इंश्योर कंप्लेंट्स विद लॉ, और देख पाए कि जो लॉ है वो फॉलो हो भी रहा है या नहीं।